मैं चंद मिनट खिताब के लिए दावा देता हूँ मोहतरम जनाब हाफिज मुबशर नदीम कुदसी साहब को के वो आए और अपने ख्याल का इजहार फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वला रिसालत बाद रिसालतिही वला नबुवत बाद नबुवतिही। शेख साहब अच्छे थे आज वला रिसालत बाद रिसालतिही वला नबुवत बाद नबुवतिही वला किताब बाद किताबिही वला सुन्नत बाद सुन्नतिही वला उम्मत बाद उम्मतिही वला शरीयत बाद शरीयतिही अम्मा बादु फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफअना लक ज़िक्रक। जाओ आसमां के सितारों से पूछो, जाओ आसमां के सितारों से पूछो, चांद के चमकते नजारों से पूछो, सूरज के सुलगते शरारों से पूछो, और पूछना है तो कुरान के पारों से पूछो। क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है? कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे, नहीं है नहीं है वल्लाह नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बुल आलमीन की तारीफ आसमान और जमीन के दरमियान हर एक मखलूक की जुबान पर जिक्र रब्बे खुदा है और इंसान को भी यही पैगाम है। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। रब के सामने झुक कर अल्लाह की तस्बीहात को बयान किया जाए, रब के सामने झुक कर अल्लाह की हमदो सना का ऐलान किया जाए। दुरूदो सलाम सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया खत्मे रसूल जिनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रियातिहि व सल्लम की पाकीज़ा ज़ात पर। हज़रात आज की इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान सीरतुन नबी है। सीरत लफज कहते हैं कैफियत को, सीरत लफज कहते हैं हालत को, सीरत लफज कहते हैं तर्ज जिंदगी को। अब ये लफज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका के साथ जुड़ कर आया, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे मुराद ये है कि रसूलुल्लाह की जिंदगी मुबारका, रसूलुल्लाह के शब रोज, रसूलुल्लाह के दिन रात, रसूलुल्लाह की रातें, रसूलुल्लाह का जिहाद करना, रसूलुल्लाह का कारोबार करना, रसूलुल्लाह का हिजरत करना, रसूलुल्लाह के अंदाज, रसूलुल्लाह की कैफियत, रसूलुल्लाह की हालत। आका घर में रहते हैं तो सीरत नबी का क्या पैगाम है? आका बाजार के अंदर है तो सीरत नबी का क्या पैगाम है? आका अपनी अजवाज के पास है तो सीरत नबी का क्या पैगाम है? आका के हाथों में कुरान है, आका की जुबान पे कुरान है, कलाम में खुदा है, तो आका की सीरत का क्या पैगाम है? इसको कहते हैं सीरतुन नबी, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी मुबारका को सीरत कहते हैं। हजरात कोई अपने अकाबिर की सीरत को बयान करता है, कोई अपने अलामा फहमा की सीरत को बयान करता है, उसके बचपन से लेकर वफात तक के तस्करे को करना सीरत कहा जाता है। कोई वकील की सीरत को बयान करे या खतीब की या अदीब की या नकीब की, चाहे
कोई वकील हो, कोई जज हो, काहे चाहे कोई एमपीए, एमएनए, वजीर आला, वजीर आजम हो, चाहे किसी सदी का कोई बादशाह हो, उसके मानने वाले उसके किरदार को लिखना शुरू कर दें। इसको कहते हैं सीरत। अब इसकी पैदाइश से लेकर इसकी वफात तक के तस्करे को लिखा जाए तो कहते हैं सीरत। सीरत मैंने बादशाह की लिखी, सीरत मैंने फला वकील की लिखी, सीरत मैंने फला अलामा की लिखी, सीरत मैंने फला मुफ्ती की लिखी। उसकी पैदाइश से लेकर उसकी वफात के तस्करे तक को जमा करना, इसको कहते हैं सीरत। जब आका की सीरत की बात आई, जब आका के कमाल की बात आई, जब आका के लैलो नहार की बात आई, फिर रब्बुल आलमीन ने इस उसूल को तोड़ दिया। फरमाया कि अब सीरत नबी बयान होने लगी है। आका की सीरत आका के पैदाइश से लेकर नहीं, बल्कि वफा तक नहीं, बल्कि आका की सीरत आलम अरवा से लेकर कयामत की दीवारों तक है। इस मेरे प्यारे नबी की शान को रब्बुल आलमीन ने आलम अरवा के अंदर बयान किया। सारे की सारी इंसानियत मौजूद थी। अगर ख्यालात की दुनिया में परवाज कीजिए, मैं इस तरह बतलाना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने के लिए रब्बुल आलमीन ने सारी की सारी इंसानियत को जमा किया। इससे कबल रब्बुल आलमीन ने आसमाने आलम अरवा के अंदर दो जलसों को किया। एक का उनवान है तौहीद रब्बुल आलमीन, दूसरे का नाम शान मुस्तफा। तौहीद रब्बुल आलमीन सारी की सारी इंसानियत जमा। अलस्तु बिरब्बिकुम, बतलाओ तो सही तुम्हारा रब कौन है, बतलाओ तो सही तुम्हारा शहनशाह कौन है, बतलाओ तो सही तुम्हारा रज्जाक कौन है, बतलाओ तो सही तुम्हारा पालनहार कौन है। रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात के सामने इस पैगाम को रख दिया तो रब्बुल आलमीन के सामने ये सारी कायनात का पैगाम कहा के कालू बला, या अल्लाह तू ही तो हमारा रब है, तू ही तो हमारा शहनशाह है, हम तेरे सामने जबीने न्याज को झुकाते हैं, कदूसी तेरी तौसीफ़ो सना करता है, मेरा हर लफ्ज तेरी हमद को बयान करता है। हज़रत फिर दूसरे जलसे का नाम सीरतुन नबी है, शान मुस्तफ़ा है। रब्बुल आलमीन ने तिलकर रुसुलु फसलना बाज़हुम अला बाज़, जिनको फजीलत अता करनी है उनको मुकाम अता करना है, उनको जमा रखा। फरमाया वाइज अखदल्लाहु साकन नबीयिन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, मैंने जब आपको नबुवत अता कर देनी है, जब मैंने आपको पैगंबर बना देना है, जब मैंने आपको हादी बना देना है, इसके दरमियान मेरा आखिरी पैगंबर आ जाए, इसके दरमियान मेरा आखिरी रसूल आ जाए, इसके दरमियान मोहम्मद करीम आ जाए, आपने अपनी नबुवत के सिक्के को बंद करके मोहम्मद के ताबे हो जाना है, अपनी उम्मत को ये पैगाम देना है, मैंने भी अपनी जुबान से कलमा रसूल पढ़ लिया है। आओ फिर हजरत आदम को ये पैगाम मिला, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीहुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ाना। हजरत मूसा को पैगाम मिला, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ाना। हजरत ईसा को पैगाम मिला, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ाना, बल्कि जब मेरा आखिरी पैगंबर आ जाए, जब मोहम्मद करीम आ जाए, जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए, तो आपने भी अपनी उम्मत को भी यही कलमा पढ़ाना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सोना आया ते हुई हुसैन दुनिया, आया कुरान ते जुल्मतन लुक गया, मिलिया चैन माड़े ते मज़लूमानू दुख दर्द मुसीबत मुक गया। रब्बुल आलमीन ने कुरान को उतारा, इस कुरान के अंदर शान मुस्तफ़ा है, इस कुरान के अंदर नाते मुस्तफ़ा है, इस कुरान के अंदर बुलंदी मुस्तफ़ा है, इस कुरान के अंदर तस्करा मुस्तफ़ा है। रब्बुल आलमीन के कुरान के सामने मैंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा की हदीस को पढ़कर सामने आ गया, ए कुरान मैं आका की शान के मुतल्लिक बड़े सारे सवाल इस झोली के अंदर लेकर
लेकर आया हूँ। ऐ कुरान मेरे सवालों के जवाब देगा। कुरान कहता है हाँ, मैं सीना तान कर, कुरान कहता है मैं सीना तान कर जवाब दूंगा, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने मुझे उतारा है, पैगंबर आसम की शान में उतारा है। जरा तो अपने सवालों को बयान तो कर। मैंने सवाल करना शुरू कर दिया, ख्यालात की दुनिया में परवाज करते हुए मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान आका का चेहरा तो बता। कुरान कहता है वजूहा। मैंने कुरान से कहा ऐ कुरान आका की जुल्फें तो बता। कुरान कहता है वल्लैली इजा सजा। मैंने कुरान से कहा ऐ कुरान आका का सीना तो बता। कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान आका का जिक्र तो बता। कुरान कहता है वरफाना लका जिक्रक। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान आका का जिक्र तो बता। कुरान कहता है वरफाना लका जिक्रक। मैंने कुरान से कहा ऐ कुरान आका की तलियां जिस सरजमीन पर लगी वो मक्का का तस्करा तो बता। कुरान कहता है ला उकसिमु बिहाजल बलद। मैंने कुरान से कहा ऐ कुरान आका की आंखों का तस्करा तो बता। कुरान कहता है अलम नजअल लहू ऐनैन। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान आका के लब मुबारक तो बता। कुरान कहता है वलिसानौ वशफतैन। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान आका की चादर तो बता। कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दसिर। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान आका की काली कमली तो बता। कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान आका का अखलाक तो बता। कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान आका का मक्का तो बता। कुरान कहता है ला उकसिमु बिहाजल बलद। मैंने कुरान से कहा ऐ कुरान आका की शान तो बता। कुरान कहता है वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाजल बलदिल अमीन लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान आका की यतीमी तो बता। कुरान कहता है अलम यजिद का यतीमन फआवा। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान आका की तड़प तो बता। कुरान कहता है लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान आका की इताअत तो बता। कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान आका की ताबेदारी तो बता। कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अनहु फंतहू। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान आका की खत्मे नबूवत तो बता। कुरान कहता है मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबीयीन। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान आका के असहाब तो बता। कुरान कहता है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान आका का सिद्दीक तो बता। कुरान कहता है वल्लजी जाअ बिस्सिद्दिकी व सद्दका बिही। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान आका का उम्र तो बता। कुरान कहता है अशिद्दाउ अलल कुफार। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान आका का उस्मान तो बता। कुरान कहता है रुहमा उबैनहुम। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान आका का अली तो बता। कुरान कहता है तराहुम रुकअन सुज्जदा। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान आका की प्यारी ऐशा तो बता। कुरान कहता है सुबहानका हाजा बुहतान अजीम। मैंने कुरान से सवाल किया ऐ कुरान आका का नाम तो बता। कुरान बोल कर कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक्कि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वकफा बिललाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान आका की नात को बयान करता है, ये कुरान आका की शान को बयान करता है। ये कुरान को लिखा गया 29 हुरूफ के साथ, अलिफ से लेकर या तक 29 हुरूफ बनते हैं। मैंने इन 29 हुरूफ से पूछा क्या आप भी आका की शान को बयान करते हो? इन्होंने कहा हाँ हाँ हम आका की शान को बयान करते हैं। मैंने कहा मैं सवाल करने लगा हूँ, एक एक को पढ़ने लगा हूँ, मुझे आका की शान का तज़किरा चाहिए। इन हुरूफों ने कहा, हुरूफे तहजी ने कहा जरा मुझे पढ़ तो सही, मैं आका की शान को बयान करूं। मैंने अलीफ से कहा अलीफ को रब्बुल
العالمین نے کیا مقام دیا؟ قرآن پاک کے اندر الف لام میم ہے، قرآن پاک کے اندر الف لام را ہے۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن الف تجھ کو قرآن پاک کے اندر لکھا گیا، رب نے تجھے کیا شان دیا؟ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس انداز سے بیان کرتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں الف لکھا، نبی کو امین بنا دیا، رب نے قرآن میں با لکھا، نبی کو بشیر بنا دیا، رب نے قرآن میں تا لکھا، نبی کو تنویر بنا دیا، رب نے قرآن میں سا لکھا، نبی کو ساکب بنا دیا، رب نے قرآن میں جیم لکھا، نبی کو جمیل بنا دیا، رب نے قرآن میں ہا لکھا، نبی کو حلیم بنا دیا، رب نے قرآن میں خا لکھا، نبی کو ختم الرسل بنا دیا، رب نے قرآن میں دال لکھا، نبی کو دائی بنا دیا، رب نے قرآن میں زا لکھا، نبی کو ذاکر بنا دیا، رب نے قرآن میں را لکھا، نبی کو رحمت بنا دیا، رب نے قرآن میں زا لکھا، نبی کو زاہد بنا دیا، رب نے قرآن میں سین لکھا، نبی کو ساقی بنا دیا، رب نے قرآن میں شین لکھا، نبی کو شافی بنا دیا، رب العالمین نے قرآن میں صاد لکھا، نبی کو صادق بنا دیا، رب نے قرآن میں زاد لکھا، نبی کو ضامن بنا دیا، رب نے قرآن میں تا لکھا، نبی کو طاہر بنا دیا، رب نے قرآن میں زا لکھا، نبی کو ظفر بنا دیا، رب نے قرآن میں عین لکھا، نبی کو علم والا بنا دیا، رب نے قرآن میں غین لکھا، نبی کو غیور بنا دیا، رب نے قرآن میں فا لکھا، نبی کو فاتح مکہ بنا دیا، رب نے قرآن میں کاف لکھا، نبی کو قرآن والا بنا دیا، رب نے قرآن میں کاف لکھا، نبی کو کالی کمنی والا بنا دیا، رب نے قرآن میں لام لکھا، نبی کو لائق بنا دیا، رب نے قرآن میں میم لکھا، نبی کو محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے قرآن میں میم لکھا، نبی کو محمد بنا دیا، رب نے قرآن میں نون لکھا، نبی کو نذیر بنا دیا، رب نے قرآن میں واو لکھا، نبی کو وائز بنا دیا، رب نے قرآن میں ہا لکھا، نبی کو ہادی بنا دیا، رب نے قرآن میں یا لکھا، رب نے قرآن میں یا لکھا، نبی کو یاسین بنا دیا۔ دساں کی میں مصطفیٰ دی کتی اچھی شان ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کتی اچھی شان ہے، قرآن دے ہر سپارے وچ میرے پاک نبی دا نام ہے۔ حضرات آخری بات ہے، اور اپنے راشد بھائی کی فرمائش کو پورا بھی کرتا جاؤں، آج کی یہ محفل سجائی ہے چودھری رفیق صاحب نے، چودھری اسداللہ صاحب نے، چودھری راشد صاحب نے۔ حضرات یہ سارے کے سارے ہم بیٹھے ہیں آقا کے تذکرے کو سننے کے لیے، میں بیان کر رہا ہوں، میرے بھائی عتیق الرحمن پسروری صاحب بیان کریں گے، قاری یونس اور صاحب بیان کریں گے۔ ہم بیان کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور آپ سننے والے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، وقت نکال کر بیٹھے ہیں، اور آپ فخر سمجھ رہے ہیں ہم آقا کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ جب آقا اس کائنات کے اندر آئے، آقا کا ظہور ہوا، آقا اس کائنات کے اندر آمد ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ میلاد کو نہیں مانتے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ میلاد کو نہیں مانتے۔ حضرات میں کہتا ہوں ہر کوئی میلاد کو مانتا ہے، میلاد کا مطلب ہے پیدائش، ہر کوئی مانتا ہے، چاہے سنی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، اگر میں آگے کی بات کروں چاہے کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، کافر ہو، وہ بھی مانتا ہے۔ آقا پیدا ہوئے تو قرآن آیا نا، آقا پیدا ہوئے ہمیں انسانیت ملی، آقا پیدا ہوئے ہمیں روحانیت ملی، آقا پیدا ہوئے ہمیں جنت کے پیغام ملے۔ جب آقا پیدا ہوئے ادھر سے حلیمہ کی سواری تیز ہوئی، پہلے بڑی کمزور سی، بڑی ماڑی سی، کدے اٹھدی سی کدے بہندی سی، کدے اٹھدی سی کدے بہندی سی، او ڈگدی ڈھندی رہندی سی، اون کوئی نہ کول بٹھاندا سی، اون کوئی نہ نال رلاندا سی، اون دے کیویں لنگدی دیہاڑی سی، جنی ڈاچی سب تو ماڑی سی، او ڈاچی دی جڑی مائی سی اون دا نام حلیمہ دائی سی، آخر وچ مکے آئی سی، پچھے آ کے بڑا پچھتائی سی، ہر بوا اس کھڑکایا سی، ہر بوا اس کھڑکایا سی، اونوں خیر کسے نہ پایا سی، ہر دردی بنی سوالی سی، اون دی جھولی پھر بھی خالی سی، جدو ساروں پاسوں رہ گئی ہے سرکار دے بوبے بہ گئی ہے،
जो सारे पास्यों रह गई है, सरकार दे बूवे बह गई है, आखर ओ बूवा मले आए, जो तो रहमत दा झूला जले आए, सरकार दा बूवा खुले आए, एक लोंडी बाहर आई ये, दाई वाल जाती पाई ये, उन्हों बाहों नप उठाया आए, उन्हों कहनी आ आ तेनु नाल लजावा मैं, एक नूरी मुख विखावा मैं, साढ़े वेड़े ओचन चढ़े आए, साढ़े वेड़े ओचन चढ़े आए, जिन चन भी कलमा पढ़े आए। अज आ गया वक्त हलीमा दा, मिलिया लजपाल यतीमा दा, नाने लोरी खूब सुनांदी ये, नाने लोरी खूब सुनांदी ये, नाने सदके वारी जांदी ये, बनु साथियां जो दाइयां ने, चल कोल हलीमा आईयां ने, पुछन तो बार आंदी क्यों नहीं, सानू शकल विखांदी क्यों नहीं, कि तो खांदी ये, कि तो पींदी ये, बोली हलीमा दाइयां नू, खरीयते पुछन आईयां नू, हां हां ना कुछ खांदी या ना पींदी या, बस वेड़े विच घूम लेंदी या, आखरी मिसरा मेरा सलाम, ना खांदी या ना पींदी या, बस वेड़े विच घूम लेंदी या, जदों मैनू भुख लग जांदी ये सरकार दा मुंह चूम लेंदी या। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अजमत को उसी तरह मानने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह रब्बिल आलमीन का पैगाम है, कुरान पाक के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।